2016 नू पांचवें महीने 19 तरीक नू साडी इत्थे एग्जैक्टिव की मीटिंग सी। सत्कारयोग सरदार अवतार सिंह बक्कड़ साहब साडे उस वेले प्रधान सन, उन्होंने प्रजाइड करने से। बदकिस्मती नू एक रामसर साहब उस दिन घटना वापरती है जिथे साडे पावन सरूप छपन तो बाद पब्लीकेशन वास्ते संगतां नू जो सिस्टम है साडा उहदे मुताबिक जिथे रख रखाव करदे हां, एक बिजली का शार्ट सर्कट होने करके एक एसी का जरा सर्कट जरा शार्ट हो गया, अग लग गई। सवेर के तकरीबन दिन के चढ़ा का टाइम ही है, उस वे ज्यों ज्यों दफ्तर पता लगा इन्होंने इमीजिएट उत्ते एक्शन लिया। सब तो पहला साढ़े जिम्मे सरदार सकत्र सिंह जी ये पहुँचे, डॉक्टर रूप सिंह, सरदार मनजीत सिंह, सुखदेव सिंह होनी जिन्हें भी अधिकारी से इमीजिएट इन्होंने रश किया, सारे उत्थे पहुँचे। जाके मौके के मुताबिक जो प्रबंध से लड़ने के किए, फायर ब्रिगेड गड्डिया आई बहुत जल्दी, क्योंकि उत्थे सेवादार कुदरतन उस दिन उन ड्यूटी से और मौके पर मौजूद से, उन्हें इनफॉर्मेशन मौके पर दे दी थी, जिदे करके सारे प्रबंध बड़े टाइम के नाल हो गए और वड्डी घटना तो सतगुरु ने बचा लिया। वो शार्ट सर्कट करके जिहड़ी आखिरी घटना वापरी उहदे विच निरसंदेह कुछ नुकसान भी होया, महाराज साहब के पांच सरूप जिहड़े अगले भेंट हुए सीधे तौर पर, और जदों फायर ब्रिगेड ने आके एक्शन किया, पानी ने बछाड़ा मारिया, पानी के करके कुछ सरूप जिहड़े सन उह जिहड़े बड़ी बुरी तरह पानी नाल भिज गए। उन्हां दी गिनती तकरीबन उस वेले जो आई वो 9 दे बराबर सी, 9 जिहड़े ज़्यादा भिजे महाराज साहब सरूप, जिन्हां दे अंग भी भिज गए, ज़्यादा जिल्दां भी भिज गईआं ते अंग भी ज़्यादा भिज गए, वह तो 5 जिहड़े अगन पिंड सीधे तौर पर हो गए। इन्नी घटना तो बाद इमीजिएट कंट्रोल हो गया, अग जिहड़ी ने उत्थे कंट्रोल कर लिया। घटना जिहड़ी इस तों अगे कोई नुकसान होए वो गुरु की कृपा नाल बहुत वड्डी बख्शिश हुई सतगुरु के मौके उत्ते, सारा बच बचाव हो गया। पानी के करके जो पानी के बिछाणा हुई ने फायर ब्रिगेड वाले कीतियां, कुछ जिहड़ियां ने छिट्टां बाकी मार कुछ सरूपां उत्ते पईआं, जिन्हां दे जिल्दां दा रंग बदल गया, कपड़ा उत्ते हुंदा कपड़े नूं थोड़ा नुकसान आया, वह उन्हां दी बाद जिल्दबंदी प्रापर ढंग नाल कर दित्ती गई, उन्हां दे अंगां दा कोई नुकसान नहीं सी होया। सिर्फ 14 सरूप जिहड़े आ कुछ भिजे, अज 16 तो लैके अज 20 है, तकरीबन 4-5 साल के वक्फे तो बाद सरदार अजीत सिंह जी साडे जस्टिस रिटायर्ड, उन्होंने एक मनुखियत अधिकार संगठन है, उन्होंने इस इशू नूं टेकअप किया, आधार बनाया कि साडा एक उस वेले जिहड़ा मुलाजम सी पब्लीकेशन का सुपरवाइजर सी सरदार कमलजीत सिंह, वह रिटायर होया है पिछले मई के महीने, हाँ रिटायर होया, उन्होंने आधार बना के वो बयान के उत्ते उन्होंने एक इनक्वायरी मार्क की है। सब तो माड़ी गल जी है कि जे फर्ज किया, पहली गल तो उन्होंने प्रव्यू ही नहीं है, मनुखी अधिकार संगठन का गुरु ग्रंथ साहब नाल कोई कंसर्न नहीं है, यदि मर्यादा ना मान सत्कार ना, क्योंकि उन्होंने फील्ड ही वखरा है। सैकेंडली जे सपोज उन्होंने कोई गल गई है, उन्होंने इमीजिएट फर्ज बनता है कि एक संस्था आया, वड्डी संस्था आया श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इन्हें संपर्क किया जाता, इस सारी घटना का तस्दीक किया जाता, जिथे उन्होंने कोई डाउट या शक नज़र आता उदों बाद मीडिया में रूबरू हो जाते, सरकार को जो कहना चाहते कह देंगे, पर उन्होंने बजाय ये रस्ता अडोप्ट करने उन्होंने सीधा सरकार को अप्रोच कर दी कि यदि चीफ सैकटरी लैटर लिखा कि यदि प्रॉपर ढंग इनकुआरी की जाए। 267 सरूपों का जरा घपलेबाजी एक स्कैंडल के तौर पर बड़ी साजिश के अधीन वो फिगर कोट करके उन्होंने एक स्कैंडल का घपले का ना दे देता, जिहड़ी नैचुरल इंसीडेंट कुदरत वापर गई उन्होंने पुठी रंग दे के उन्होंने पोलीटिकल रंग दे के एक अपना जिहड़ा सेल्फ मोटिव आ पोलीटिकल मोटिव आ उन्होंने गेंद करने वास्ते इन्होंने सारी गेम खेली है। जदों के जरा कमलजीत सिंह साडा उतों का पब्लीकेशन इंचार्ज आ, अज तुहानू आही जो जे इस घटना के नाल जो अभी तुहाडे रूबरू कह रहे हैं ये बा दलील आ, सारा कुछ कोई गिनी भी स्टेटमेंट नहीं, सब तो वड्डा दोष उन्होंने लाया भी ये एडा वड्डा हो गया, एडी घटना वापर गई, उत्थे अग लग गई, नुकसान होया महाराज साहब 5 रूपां का, और श्रोमणी कमेटी उहदे ते कोई एक्शन लैण दी बजाय उस घटना छुपाउण की कोशिश की है। मैं सारे मीडिया नूं क्लीयर कर देना चाहुंदा कि एडी वड्डी घटना कदे छुपाई नहीं जा सकती संगत तों, क्योंकि उस घटना के मौके के उत्ते जो पता लगा जिते साडे सीनियर अधिकारी उत्थे पहुँचे, उत्थे नाल दी नाल उस वेले फायर ब्रिगेड का समुचा स्टाफ उत्थे सी, ADCP ओ और ACP अमृतसर के जो पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद ने, इन्ह का फायर ब्रिगेड वाला सारा स्टाफ उत्थे आ, समुची एग्जैक्टिव उत्थे आ, संगत उत्थे ने, मीडिया उत्थे प्रेजेंट आ। एडे वड्डे सिस्टम तो बाद एडे वड्डे प्रबंधों तो बाद जे उन्होंने एक इंटेंशनली कहा जाए कि एक घटना छुपाने की कोशिश की है, ये सवाए एक साजिश तो ये पिछे कुछ नज़र नहीं आता।
कॉन्सपीरेसी है। केवल एक संस्था नूं बदनाम करने वास्ते चार साल पांच साल बाद बिना के सबूत लिया दे बिना तस्दीक किए उन्होंने वन साइडेड जरा स्टेटमेंट देती है। मीडिया से रूबरू हो गए हैं, सरकार को लेकर देते तो ये पिछले बड़ी वीडी ग्राउंड आगे इन्हों का सियासत मोटिव है, परसनल इंटरस्ट है उन्होंने लोगों का, और वो करके इन्होंने इनू गलत रंगत दे के पोलिटिकल रंगत देने की कोशिश की है। और संस्था को केवल कौम के नवा विवाद खड़ा करने वास्ते यह सारा पैंतड़ा जरा उन्होंने लिया है, जिहड़ा बिल्कुल किसी कीमत पर ढोकता नहीं गा। और वो जरा कमलजीत सिंह है पब्लिकेशन इंचार्ज है, वो अच्छे तुम डॉक्यूमेंट भी अज नाल अपनी स्टेटमेंट प्रिंटेड भी दे रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट बकायदे लाए आ जोड़िया जल्ला कर रहे हैं, वो सारिया बा दलील ने मौके मुताब वो गल्ला ने जिड़िया उस वे हुई ने, कोई कई कोई बनाई कोई प्लांट स्टोरी नहीं है तेरे सामने रख रहे। सो उस कमलजीत ने अपना एक हल्फिया बयान उस वेले दर्ज कराया दफ्तर के कि जे 267 सूपन है जो मैं ये आदान प्रदान किया जिम्मेदार बनाया कि वह रिटायर होया तो उन्हें जो अपना चार्ज दिता उस वे 267 सूपा के घट होने की नोटिस आई गल जिन्होंने छुपाने की छुड़ाने की उन्हें कोशिश की है, उन्हें एडमिट किया लिखती तौर पर एडमिट है। तुम बयान भी हल्फिया बयान भी देने एफीडेविट जरा वही देने नाल दे रहे हैं। उन्हें गल कही है कि जेडे 267 सरूप हूँ मैं चार्ज वेले पूरे नहीं कर सकया, यदा जो भी बनता खर्चा आया भेटा आ मेरी बनती तनखा के कट ली जाए यदा मैं दोषी हाँ, तो है भी उही दोषी है क्योंकि प्रबंध वह पब्लिकेशन का इंचार्ज है सुपरवाइजर उतों का, जे सपोज कोई इस तरह की तो उन्होंने हैड ऑफिस में जरूर नोट्स लिया चाहिए उस वे इन टाइम कि इस तरह का कोई घाटा वाधा है पड़ताल करा ली जाए, तो मैं उस मदई होने तैयार हाँ क्योंकि पता नहीं क्यों होया कि होया पड़ताल का हिस्सा से। हूँ भी प्रधान साहब जो सारी गल का पता लगा वो कल या परसों तक मेरे ख्याल कल शायद सब कमेटी एक जी है वो फॉर्म कर जा रहे हैं जी दोबारा इन तत्थों के ढे रूबरू करने तो बाद भी अभी होर यदि डाई तक पड़ताल करा इंटरनल भी सारी पड़ताल होएगी एक होया किमें क्यों होया और उन्हें इस गलत रंगत क्योंकि वह परसनल इंटरस्ट आ वो को ग्रज आ जो ग्रीवेंस से अपने हैड ऑफिस के नाल दफ्तर में संपर्क करके अपने ग्रीवेंस दूर करने चाहिए से उन्होंने अपने इस अपने किट कटन वास्ते इन लोगों तक अप्रोच करके गलत रंगत उन्होंने नहीं सी देनी चाहिए जिसे वो सरासर आप झूठा है। उन्हें सारी प्लांटेड आ अपने ग्रीवेंस उन्हें एक रंगत दी है पोलिटिकल। सो इस वास्ते सारी ताडे सामने ये गल बेनती मोटे तौर पर करने की लोड़ सी कि जरा इस मनुखी अधिकार संगठन ने इशू रेज किया संगत के सामने, इस संगत के बड़ी बड़ी दुविधा बड़ा नवा विवाद खड़ा करने वास्ते किया, इहदा मूल रूप च कोई कारण नहीं बनता सबूतों सहित एक प्रत्यक्ष जिहड़ी घटना वापरी है दिन के टाइम से वापरी है संगत जो रूबरू सारे सारा कुछ होया उहदे प्रबंध होए आ उस अग्नि की घटना नूं जिहड़ा कंट्रोल किया गया साडा सारा स्टाफ सीनियर अधिकारी पुलिस अधिकारी और मीडिया संगत अंतर कमेटी उस वे सारी इतों उत्थे ही रश किया सारे उत्थे चले गए प्रधान साहब समेत सारे प्रेजेंट ने मीटिंग कैंसल कर दी। और इन्ना कुछ होने के बावजूद हूँ ग्राउंड रियलिटीज ने जड़िया जिंदा जागता जागता सच शुरू है सच है उस गल रूबरू करने चाहते जे मेरे मनुखी अधिकार जस्टिस अजीत सिंह बैंस के इस ग्रुप की कोई एस जी पी सी के मौजूदा अथॉरिटी ना कोई किड़े आ कोई उन्होंने जाति रंजिश है तो वह कोई कारण होर हो तो दस सकते हैं भी सा रंजिश है, पर इस तरह बेहूदा जड़िया ग्राउंड लैके पंथ के कौम के नव दुविधा खड़ी करनी और एड्डी वीड्डी संस्था को शक्की बना के सामने पेश कर देना एक जी कुदरत घटना वापरी है वह बकायदा सबूत अभी तो मीडिया के सामने रूबरू नाल अपनी प्रिंटेड स्टेटमेंट के तुम दे रहे हैं सारे वो सारा कुछ होने के बावजूद वह एक घटना तो एक स्कैंडल एक घपला और वो सारी घटना छुपा के रखन का जोड़ा दोष लाया ये सारिया ग्राउंड बेहूदा ने। और ये तो मैं गल कह कि उन्होंने जो सारा कोई कल मीडिया सामने आता बिने शक परसनली भी इतने आ सकते सूँ कोई इतराज जो मर्जी उन्होंने हैड ऑफ संपर्क कर आकर सारी तस्दीक कर जे वे सच जाबे तो अही अही उन्होंने को रिलाइज करा नहीं तो पब्लिकली इस की हुई जी शरारत है ये पब्लिकली जरा अपोलोजाइज कर संगत को माफ़ी मंगन भी अं बिना सबूतों तो बिना कहीं गलों तस्दीक किए तो अं मीडिया के इशू कौमी इशू कौम के सामने रखे अं दुबदा दे दोषी हाँ जरा विवाद खड़ा आने वाले समय जो शक क्रिएट करने की कोशिश की गई साडे वालों जाने जाने वो अं माफ़ी मंगते हैं वो इस गल की इस गल रिलाइज कर माफ़ी मंगन क्योंकि ये बेबतला से हाँ जे साडे लैवल से गलती हुई एडमिट कर तैयार हाँ क्योंकि एक कौमी काज आ संगत है संगत आ संगत की संस्था संस्था तो संगत को कोई चीज़ लगाई जा सकती है मसले से फिर बावन सरूपा ना गुरु साहब के सत्कार मान संबंध कोई घटना वापरती है कोई बेदबी वाली घटना वापरती तो अं कि छुपा गए
सो इस वास्ते सारिया बेदलीलियां गल्लां करके उन्होंने बड़ा नवा विवाद खड़ा करने की कोशिश की। मैं संगत को बेनती करूँगा योजे शरारती अंसर जोड़े ने जोड़े को नाम ने हाथ जथेबंदियां बना के नवे नवे पंगे खड़े करते क्योंकि लॉकडाउन आ इन्होंने ह्यूमन राइट ग्राउंड का कोई इशू नहीं लभा होना उन्होंने यह इशू हथ ला गया तो इस समय के उन्होंने जो हाईलाइट करने की कोशिश की है वो अपना मुफाद पूरा करने की कोशिश की है। संगत भी इन्होंने गलों अवेयर रहे इन्हों मूँह तोड़ों जवाब दे आने वाले समय से और ये लोग जो जी खतरनाक जिहड़ियां साजिशां ने कौम दे दुफेट पाउंदियां पाडो ताड़ पाउंदियां यह तां ही लोग आवाज आउणगे जे संगत भी इन्होंने गलों सारा अवेयर होगी और आही संगत नूं बिल्कुल जवाब दें गुरु साहब बख्शिश कर आने वाले समय के आप सारे रल मिल के संगत क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पंथ की नुमाइंदा जमात है तो सब तो वड्डी जिहड़ी जिम्मेवारी है वह गुरु साहब के मान सत्कार नूं कायम रखना वधाउणा प्रचार प्रसार वास्ते अपने यतन करने धर्म के खेत्र में अपना योगदान पाउणा यह ड्यूटियां तो दे फर्जा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बाखूबी समझती है अज निभा रही है।